पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर जब लम्स यूनिवर्सिटी गए तो उनके साथ बड़ा सानहा रोनमा हुआ और यही सानहा ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। तो जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनको ज़ीरो और स्टूडेंट्स जिन्होंने सवाल किए ब्लंट क्वेश्चन किए उन्हें हीरो दिखाया जा रहा है। मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, लम्स यूनिवर्सिटी में निगरान वज़ीर आज़म पहुँचे तो 50 मिनट की ताख़ीर से पहुँचे, जिस पर स्टूडेंट्स में एक रेस्टलेसनेस थी और यही रेस्टलेसनेस उस सवाल में सामने आई जो कि एक स्टूडेंट की जानिब से डायरेक्टली वज़ीर आज़म से किया गया। उन्होंने कहा कि 50 मिनट की ताख़ीर से आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे बहुत दुख हुआ है कि हमारे वज़ीर आज़म, चाहे वो निगरान ही क्यों ना हो, उन्हें इल्म की इज़्ज़त नहीं है। उस स्टूडेंट ने यह भी कहा कि वो बहुत उनको अफसोस है और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो स्टूडेंट्स की वो इल्म की इज़्ज़त क्यों नहीं करते। इस पे निगरान वज़ीर आज़म काफ़ी शॉक हुए, उन्होंने इस क्वेश्चन को पानी पी के अब्सॉर्ब किया और फिर बड़े तहम्मुल से जवाब भी दिया। उन्होंने जवाब दिया कि एक तो वो काबीना के इजलास में थे, वहाँ 35 मिनट जो है वो ताख़ीर हुई, फिर उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट आपके असातिज़ा के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हुए लग गए, तो इसको तो माइनस करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि वो पार्लियामान के इजलास में, जो कि उनकी मेन ड्यूटी है, अवलीन ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर कोई वो ऐसा फ़ैसला ले लें जो कि इल इन्फॉर्म्ड हो, ये वहाँ पर वो बिल्कुल राइट थे। लेकिन लास्ट में एक लाइन जो कि निगरान वज़ीर आज़म ने बोली, वो उन्होंने कहा अगर वो चाहते, स्टूडेंट को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हम कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड नहीं है, मैं वॉलंटियरली यहाँ सेशन अटेंड करने आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ और आप वॉलंटियरली ये सेशन सुनना चाहते हैं, आपके पास तमाम तर राइट मौजूद था कि आप इस हॉल को छोड़ के जा सकते थे। और यहाँ पे उन्होंने अपना जवाब ख़त्म किया और जिसको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक खातून स्टूडेंट की जानिब से किया गया जो कि मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन से ज़्यादा थोड़ा सा एक इल मैनर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि जब कोई आपके पास एज अ गेस्ट स्पीकर आता है, चाहे वो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, वहाँ तो वो आपका मेहमान है, उससे ये पूछना कि आप यहाँ आए क्यों हैं, दिस इज़ ज़ाहिर है आपकी इन्विटेशन पर आए होंगे। उनसे पूछा गया खातून की जानिब से कि मुल्क में इस टाइम मौशत इतनी बुरी हालत में है, हम टाइम पे इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे, मुल्क में इतने मसाइल हैं, आप लम्स क्या लेने आए। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन प्लांट से ज़्यादा थोड़ा सा बदतमीज़ी वाला था कि आपने बुलाया है तो आए ना। फिर उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया और कहा कि वो तमाम सुबहों में जाना चाहते थे और नौजवानों से बात करना चाहते थे, उनके ख्यालात जानना चाहते थे। तीसरा सवाल आता है जो कि निगरान वज़ीर आज़म से किया गया, उसमें कहा गया कि आप वक्त पे इलेक्शंस क्यों नहीं करवा पाए, 90 दिन के लिए आपको मैंडेट मिला था, आप आखिर इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे। इसमें KP और पंजाब के इलेक्शंस की भी बात हुई, जिसका जवाब जो है वो थोड़ा सा नागवारी से दिया गया निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से। उन्होंने कहा कि पार्लियामान एक कानून पास कर चुका है जिसके तहत इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, ये उनका मैंडेट नहीं बनता। फिर उनसे बाइसनल्स के हवाले से भी सवाल किया गया और जो कराची का इलेक्शन था उस हवाले से भी बातचीत हुई, गो के स्टूडेंट की जानिब से खासा जो है वो कह लें कि तिया पांचा एक किया गया निगरान वज़ीर आज़म का। और कई लोग तो कह रहे हैं कि वो काकर साहब की अकड़ जो है वो निकालने की कोशिश की गई है। अगर थोड़ा सा हम अपने स्ट्रक्चर को देखें, अपने मुल्क में एक एलीट क्लास के जो है वो लाइफस्टाइल को देखें या रहन सहन के तरीक़ेकार को देखें, तो ये फैशन बन चुका है कि आपने इदारों पर तनकीद करनी है, आपने अपने मुल्क को बुरा कहना है, आपने अपनी हुकूमत को बुरा कहना है, वो कोई भी हुकूमत हो, तो ये आप एलीट क्लास में जो है वो शामिल होंगे और आप एक लेफ्टिस्ट कहलाएंगे और शायद बहुत इनकलाबी भी कहलाएंगे। ये एक डेफिनेशन बना दी गई है, वो स्टूडेंट्स, वो नौजवान भी जो कि शायद ना चाहते हुए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में आ रहे होते हैं और मजबूरी बन जाती है। फियर ऑफ आइसोलेशन एक थ्योरी है जिसके तहत आप आइसोलेशन के खौफ से, तनख्वाह रह जाने के खौफ से वही अडॉप्ट कर लेते हैं जो सब कर रहे होते हैं। तो लम्स का एक ये कल्चर शायद बन चुका है और इस क्लास की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और तमाम तर जो इदारे हैं उनका, कि आपने तनकीद इस तरह से करनी है कि बदतमीज़ तनकीद करनी है, जिसको लाउड तनकीद कहा जाता है। मेरे ख्याल में तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि आप किसी भी आइकॉन के सामने खड़े होके बड़े मजमे में जो है वो बदतमीज़ी करो और हीरो बनने की कोशिश करो। मेरे ख्याल में ये शऊर नहीं है। और ख़ास तौर पे वो जमात PTI की बात कर रही हूँ जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि हमने नौजवानों को शऊर दे दिया। आपने नौजवानों को ये शऊर दिया है कि आप सोशल मीडिया पे अपनी आइडेंटिटी छुपाएं और कालम गलौज का एक जो है वो सिलसिला शुरू कर दें। आपने नौजवानों को ये शऊर दिया है कि जब कोई बड़ा आपसे बात करने आता है तो आप उससे, आपके घर पे कोई मेहमान आता है, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछें क्या लेने आए भाई।
दिस इज़ मतलब क्या आप इसको शऊर कहते हैं? तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क चाहेगा कि उसके नौजवानों में इस किस्म का शऊर आए। बात करते हैं दूसरी जमातों की, PMLN की बात कर लें, आप किस बेस पे तनकीद कर सकते हैं? PTA किस बेस पे तनकीद कर सकती है जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उन पे कि वो स्टूडेंट्स के पास गए तो उन्होंने, आपके किसी वज़ीर-ए-आज़म ने या किसी बड़ी शख्सियत ने इतनी जुरत की है कि स्टूडेंट्स के सामने फेयर्स जो है वो न्यूट्रल स्टूडेंट्स के सामने ग्रुप के सामने जाके जो है वो जवाब दें? हों आपके अदवार में हम लोग इस चीज़ के गवाह हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी उन सहाफ़ियों को क्वेश्चंस डिक्टेट किए जाते थे कि आपने ये सवाल करना है, और जो अपनी मर्ज़ी से सवाल करना चाहता था उसको आप इनवाइट ही नहीं करते थे या फिर सवाल ही नहीं करने देते थे। किस बेस पे आप तनकीद कर रहे हैं? दिस इज़ मतलब कि ये एक डिप्लोमेसी, इसको आप शायद डिप्लोमेसी कहें लेकिन मैं इसको कहूँगी कि ये मुनाफ़कत और एक गिरे हुए दर्जे की मुनाफ़कत है। आप खुद इतनी जुरत ही नहीं कर सकते। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही। आज मुझे बताएं, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, बिलावल भुट्टो, कौन है जो जाके एक न्यूट्रल लोगों के सामने जवाब दे हो जाए, पब्लिकली क्वेश्चन लेने की कोशिश करे? बेशक जो है वो तनकीद हुई, स्टूडेंट्स ने जो है वो एक लाउड क्वेश्चंस का इजहार किया, लेकिन मैं इस चीज़ का क्रेडिट अनवारुल हक काकर साहब को ज़रूर देना चाहूँगी कि उन्होंने इंटरनेशनल मॉडल्स को उठाते हुए एटलीस्ट विदाउट एनी पहले से जो प्रेपरेशंस हैं स्टूडेंट्स के सामने जवाब दे होना की हिम्मत दिखाई, बहादुरी का मुजाहरा किया। और फिर उन्होंने यही बहादुरी नहीं, वो आज फिर जो है वो एक नई यूनिवर्सिटी में मौजूद थे स्टूडेंट्स के, शायद वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन ना हुआ हो, लेकिन आप जितनी मर्जी तनकीद करें इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने भी ये जुरत नहीं की कि नौजवान क्या मतलब स्टूडेंट्स क्या एक न्यूट्रल सहाफ़ियों के सामने जवाब दे हो जाएँ। तो तनकीद जो है वो बिला जवाज़ है। जिस शऊर की आप बात कर रहे हैं मैं उसे शऊर नहीं बेशर्मी कहूँगी, बदतमीज़ी सिखाई है आपने। तमाम सियासी जमातों ने अपने जिन लोगों को गालम गलोच का एक ट्रेंड सेट करना सिखाया है, अगर वो उसको शऊर कहते हैं तो फिर उनका अल्लाह ही निगहबान है।